हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ अपनी कॉफ़ी लेकर। मुझे जाना है आज अपने टेस्ट के लिए। कुछ टाइम पहले मैंने व्लॉग में शेयर किया था कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसकी तैयारी कर रही थी। सो बेसिकली वो ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट था। यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पहले थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, वो क्लियर होता है तो फिर आप प्रैक्टिकल की तैयारी करते हैं, क्लासेस लेते हैं एंड देन यू गिव द प्रैक्टिकल टेस्ट। ये होना थोड़ा पहले था बट शिफ्टिंग क्योंकि अचानक हमारी हो गई एंड देन मैं बीमार हो गई तो हमने इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था। आज फाइनली वो टेस्ट है, होपिंग फॉर द बेस्ट। तो चलें जी, चलते हैं। टेस्ट सेंटर जाते हुए भी और वापस आते हुए भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, यूजली इतनी तेज़ बारिश लंदन में कमी देखने को मिलती है। तो बस बारिश की वजह से वैसे ही मूड इतना अच्छा हो गया था और फिर मैंने टेस्ट भी पास कर लिया तो और ज़्यादा खुशी हो गई थी। थैंक्स टू अल्लाह ताला अच्छे से सब कुछ हो गया था और हम बहुत जल्दी वापस भी आ गए थे। सो वी आर बैक एंड अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्लियर हो गया है। रिजल्ट आपको फौरन ही मिल जाता है। आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, वेटिंग एरिया में बैठते हैं, 3 से 5 मिनट के बीच में वो आपको कॉल आउट करके आपको दे देते हैं आपका रिजल्ट। आप फिर देख सकते हैं। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं हुआ। आई मीन टू से मैंने जो प्रैक्टिस की थी, जो मुझे सबने बताया था कि वही क्वेश्चंस आते हैं, वही हैजर्ड परसेप्शन के सारे वीडियोस आती हैं, मोर और लेस मेजॉरिटी वही सब कुछ रिपीट होता है। सरप्राइजिंगली मेरा टेस्ट बिल्कुल अलग था। शायद 50 में से 2 मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे आए होंगे जो वही वाले थे जो मैंने प्रैक्टिस करी, और वीडियोस तो सारी की सारी ही न्यू थी। सो आई डोंट नो, जिन्होंने मुझे बताया, सबने, बहुत सारे लोगों ने मुझे गाइड किया था कि यही टेस्ट जो होता है, जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रैक्टिस के लिए चीज़ें हैं, उसी में से आता है। थैंकफुली मैंने तैयारी जो है वो लगकर की थी और कॉन्सेप्ट समझ के सब कुछ पढ़ा था, सिर्फ मॉक टेस्ट दे के जिससे रट्टे नहीं मारे थे, तो मैंने कर लिया और क्लियर हो गया। बट अच्छा एक्सपीरियंस था और एक स्टेप अब क्लियर हो गया है। होपफुली अब मैं अपना टेस्ट बुक कर लूँगी, फिर उसकी प्रैक्टिस करूँगी एंड देन फिर मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी। कैसे बुक कराते हैं, क्या कॉस्ट थी, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। फिलहाल बहुत भूख लग रही है तो मैं अभी अपना नाश्ता लेकर बैठी हूँ, सैंडविच एंड ग्रीन टी, और यहाँ पे संभावना का व्लॉग चल रहा है तो इसको देखते देखते नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद घर के कामों पर लगेंगे। अब हम बना रहे हैं खाना, तो पुलाव चढ़ा दिया है, पुलाव की यखनी बन रही है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज फ्रूट ट्राइफल, तो उसके लिए कस्टर्ड की तैयारी हो रही है। यार अब कुछ थोड़ा तो अपने आप को ट्रीट देना चाहिए ना, और मेरा बहुत टाइम से फ्रूट ट्राइफल खाने का दिल चाह रहा था बट मैं उसे इग्नोर कर रही थी। बट फाइनली मैंने सोचा कि अब मैंने अपना थ्योरी टेस्ट पास किया है तो छोटे छोटे गोल्स के लिए अपने आप को छोटी छोटी ट्रीट्स देनी चाहिए। दो मैं बाहर से भी जाके कुछ खा सकती हूँ बट मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं फ्रूट ट्राइफल अपने लिए बनाऊं और उसको इन्जॉय करूं। सो बस आज खाने में हम पुलाव एंड उसके साथ चटनी, रायता, सलाद एंड देन वी आर गोना इन्जॉय आवर फ्रूट कस्टर्ड। पुलाव तो सभी बहुत मज़े का बनाते हैं, इसलिए मुझे इस रेसिपी में कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाती। एंड फ्रूट ट्राइफल इज़ आल्सो वेरी कॉमन रेसिपी, हम सभी बहुत मज़े का बना लेते हैं, इसलिए बस मैंने जल्दी जल्दी से काम किया क्योंकि इसके बाद मुझे एक वीडियो एडिट करके पोस्ट करनी थी। तो बस फ्रूट ट्राइफल को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था एंड पुलाव भी मैंने दम पे लगा दिया था, खाया हमने 2-3 घंटे बाद था। मज़ेदार सा पुलाव था और इसका कलर आपको बता रहा होगा कि यखनी कितने मज़ेदार सी बनी हुई थी। साथ में कचुमर सैलेड था, बहुत सारा सा, हम लोग सैलेड बहुत ज़्यादा खाते हैं, और चटनी तो पुलाव के साथ कंपलसरी होती ही है। वैसे तो मुझे इसके साथ रेड चटनी अच्छी लगती है, लाल वाली, उसी के साथ इसका मजा आता है, बट क्योंकि हस्बैंड वो नहीं खाते तो फिर मैंने ग्रीन चटनी ही बना ली थी। दो अलग से चटनियां बनाने का दिल नहीं कर रहा था और अगर मैं लाल वाली बना लेती तो सिर्फ मैं ही खाती, हस्बैंड एंजॉय ना करते, तो बस हमने ही
गुजारा कर लिया हरी चटनी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और ये इतने मज़े का खाना बना था ना, मतलब मज़ा ही आ गया था। काफ़ी टाइम बाद पुलाव बनाया था और बहुत अच्छा बना था। इसको खाने के बाद फिर हम दोनों थोड़ी देर वॉक करने के लिए चले गए थे एंड देन फिर वापस आके हमने टीवी देखा, साथ में हमने अपना फ्रूट ट्रैफल खाया, बट वो सब मैंने शूट नहीं किया। तो बस आप मेरी पुलाव की प्लेट से ही काम चलाएं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, वेदर चेंज हो चुका है, ठंड है आज, मगर थैंकफुली थोड़ा सनी वेदर है, क्लाउडी नहीं है, बारिश नहीं है, तो बेयरेबल है। बट येस, ठंड आ चुकी है और वो आपको मेरे कपड़ों से भी लग रहा होगा। मैं इंतहाई कम्फर्टेबल अपनी पुरानी हुडी में आ चुकी हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को ड्राइविंग टेस्ट की थोड़ी सी डिटेल दे दूँगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले सुबह सुबह मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लूँ, फिर इस पर बात करते हैं। हाँ जी, तो मैं अपनी कॉफ़ी लेकर आ गई हूँ और कॉफ़ी के साथ साथ आपको जल्दी से थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के बारे में। वैसे तो यार हर किसी को ही पता होगा जो यहाँ पे रहते हैं, अगर आपने नहीं भी दिया हुआ तो आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके पार्टनर्स में किसी न किसी ने टेस्ट दिया हुआ होता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके पास ही होती है। बट जब भी मैं इस तरह की कोई अपडेट देती हूँ मुझे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं पहले से ही बता देती हूँ। यूके का ड्राइविंग लाइसेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ड्राइविंग लाइसेंस एंड येट पावरफुल, तो इसका थोड़ा प्रोसेस भी लंबा ही होता है, काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। एनीवेज, इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहले आपको ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट देना होता है, जिसमें आपका एक रिटन टेस्ट होता है, आपको मटेरियल दिया जाता है, उसकी आपने बहुत सारी तैयारी करनी होती है, कुछ मॉक टेस्ट होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप वो टेस्ट बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है टेस्ट किस तरह का आएगा, फिर आप वो जाके टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं। वेन यू पास्ड दैट टेस्ट, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, क्योंकि थ्योरी टेस्ट के पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, वो आपको चाहिए होता है अपना प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने थ्योरी टेस्ट अभी नहीं किया, आपने प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो बुक कर दिया, आप क्लासेस लेने लगे और आपने बीच में सोचा कि चलो थ्योरी भी दे देंगे। नो, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पहले थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है टू गेट दैट सर्टिफिकेट नंबर। बुक करना इसको बहुत ही आसान होता है, आप गूगल पे जाके लिख दीजिए बुक आ थ्योरी ड्राइविंग टेस्ट यूके, गवर्नमेंट की वेबसाइट आ जाएगी सर, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आपको बहुत इजी सा एक फॉर्म फिल करना होता है, हाँ उस फॉर्म के अंदर आपको अपना प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पुट करना होता है। जब हम यहाँ यूके मूव होते हैं तो हम प्रोफेशनल लाइसेंस ले लेते हैं, आई थिंक आप सबके पास ही होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो वो आप अप्लाई कर दीजिए। बेसिकली वो एक लर्निंग लाइसेंस होता है जो यहाँ पे एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम प्रोफेशनल लाइसेंस यूज़ कर रहे होते हैं। उसको लेना बहुत ही आसान है, आप सिर्फ एक फॉर्म फिल कर देते हैं, वो घर पर आपके आ जाता है, और वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस भी होता है, मोस्टली सबके पास ही वो होगा, अगर नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए। आपको प्रोफेशनल लाइसेंस नंबर मिलता है ना, वही नंबर आपको चाहिए होता है अपना थ्योरी टेस्ट बुक करने के लिए, और उसी नंबर की बेसिस पे आपकी सारी चीज़ें आगे प्रोसेस करेंगी। आपने टेस्ट जब बुक कर लिया उसके बाद आती है मटेरियल की बात, तैयारी कहाँ से करनी है, तो बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जिसके ऊपर इसका मटेरियल अवेलेबल होता है। DVSA की अपनी भी एक वेबसाइट होती है, मैंने वहीं से कोर्स परचेज किया था। ये मटेरियल आपको परचेज करना पड़ता है, इसकी एक फ़ीस है जो आपको पे करनी होती है, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 15 दिन के लिए ख़रीद रहे हैं, एक हफ्ते का पैकेज ले रहे हैं, या आप 2-3 महीने का पैकेज ले रहे हैं। मैंने 3 मंथ्स का पैकेज लिया था, उसका आई थिंक कुछ 35 या कुछ इस तरह की कॉस्ट थी, मुझे कॉस्ट एग्जैक्टली नहीं पता, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी होते हैं, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें एंड देन आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह का टेस्ट आएगा। 1 hour 50 minutes का टेस्ट होता है, बट आई थिंक ये मोर देन इनफ है, मैं शायद 35 minutes में ही कर आ गई थी। 2 parts में टेस्ट आता है, मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं जो 50 marks के होते हैं, एंड देन हैजर्ड परसेप्शंस की वीडियोज आती हैं। थ्योरी टेस्ट जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर असल में इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट आपने बुक करना होता है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आई डोंट नो लंदन के बाहर भी ऐसी सीन है, बट लंदन में आपके आसपास जितने भी ड्राइविंग सेंटर्स हैं वहाँ सब पे डेट्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मैंने कल टेस्ट क्लियर किया, कल से लेके आज तक मैं जिस सेंटर से टेस्ट देना चाह रही हूँ जो मेरे घर के पास है वहाँ चेक कर रही हूँ, और मैंने अगले 4 महीने तक का देख लिया, मुझे कोई डेट नज़र नहीं आई है। कहते हैं बार बार चेक करते रहना चाहिए, फिलहाल जो मुझे डेट नज़र आ रही है वो 8 months बाद की नज़र आ रही है। तो आई रिमेम्बर जब मेरे हस्बैंड ने टेस्ट दिया था तो उन्हें 6 months बाद की डेट मिली थी प्रैक्टिकल टेस्ट की, तो बस वो डेट्स का गेम है, आपको डेट्स चेक करनी होती हैं,
कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो आप उनको एक्स्ट्रा पे करो एक अमाउंट तो वो आपको जल्दी की डेट्स दिलवा देती हैं, उन्होंने अपने पास पहले से रिजर्व रखी हुई होती हैं। बट आई एम नॉट गोना डू दैट अननेसेसरी गलत काम, रिश्वत में क्यों पढ़ना, जो सीधा तरीका है उसी पे चलते हैं। तो बस अब मैं अपने प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए डेट्स देख रही हूँ, जैसे ही मुझे कोई डेट ऐसी नियरेस्ट की मिलेगी 4-5 महीने की या 6 मंथ्स के बाद की तो वो मैं बुक करा लूँगी। उसमें भी टाइम लगेगा, मुझे देखना पड़ेगा डेट्स कौन सी मिलती हैं, और जब वो डेट करीब आ रही होगी उसे 2-3 महीने पहले मैं अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस ले लूंगी। क्लासेस का भी ये है कि आपको पर आर के हिसाब से पे करना पड़ता है इंस्ट्रक्टर को, रजिस्टर्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं आपको उन्हीं को बुक करना पड़ता है और फिर आप उनको पर आर के हिसाब से पे कर रहे होते हैं। अलावा टेस्ट की फीस अलग है, ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट की फीस अलग है, जो आप मटेरियल पढ़ने के लिए खरीदते हैं उसकी कॉस्ट अलग है। तो थोड़ा थोड़ा करके ये एक अच्छी खासी कॉस्ट हो जाती है जो आप ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लगाते हैं। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं भी होता, फिंगर क्रॉस्ड, आई होप कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँ, मुश्किल ही लग रहा है मुझे टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अभी वो बात की बात है। ये तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है, क्वाइट सिंपल, अगर आप गूगल भी करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो अब मेरा जो गेम है वो सारा पेशेंस का गेम है, मैंने डेट्स चेक करते रहनी है और जो भी मुझे अर्लीस्ट डेट नजर आती है, समझ आती है अपने जो 2-3 सेंटर्स मेरी नज़र में है, मैं उसको बुक करा लूंगी और जब वो डेट करीब मेरी आ रही होगी तो फिर उस हिसाब से मैं अपनी ड्राइविंग की क्लासेस लेना शुरू करूंगी। सो अगर मैं फ्यूचर में 2-3-4 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कोई बात ना करूं तो आप लोग ये मत अज्यूम कर लीजिएगा कि ओ इन्होंने तो आधा बीच में ही छोड़ दिया या नहीं क्लियर किया या नहीं हुआ, मुझे डेट ही नहीं मिली होगी। जब मिलेगी, जब टाइम आएगा टेस्ट का, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो बस मैंने और आपने सब्र करना है। आई ट्राइड माई बेस्ट, जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में वो मैं आप लोगों को दे दूँ, साथ ही साथ जो मैंने अभी तक खुद एक्सपीरियंस किया है या जो मैंने प्रैक्टिकली कर लिया है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर फिर भी इसमें कोई मिस्टेक मुझसे हो गई हो तो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, आई जस्ट शेयर्ड माई एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों में से कोई इरादा रखता है और उसने ड्राइविंग टेस्ट देना है तो वो एक दफ़ा खुद भी रिसर्च कर ले या किसी बेहतर एक्सपीरियंस्ड पर्सन से पूछ लीजिएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट इतना मुश्किल है भी नहीं, थ्योरी तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं क्लियर अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे के पढ़ लें रादर देन कि आप सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट को रटें। आई वुड सजेस्ट के ध्यान से पढ़िएगा। और बस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं करूँगी एंड, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।